हेलो। अब हम इस वीडियो में परचेज की एंट्री देखेंगे। तो परचेज की एंट्री के लिए वाउचर्स में जाना है, फिर F9 परचेज बटन क्लिक करके परचेज का वाउचर ओपन करना है। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, F12 कॉन्फ़िगर करके आपको यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है प्रोवाइड सप्लायर इनवॉइस डिटेल्स, इस ऑप्शन को यस कर देना है। और ये वाला जो ऑप्शन है यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल फॉर बिल एलोकेशन, इसको नो रखना है। अब हम ये जो परचेज कर रहे हैं इसका सिनेरियो यानी उसका केस ऐसा है, एग्जांपल ये है कि उस पर्टिकुलर डेट को आपने ओनली परचेज ही किए है, इक्विटी या स्टॉक्स आपने खाली परचेज किए है, उस दिन आपने कोई सेल्स नहीं किया हुआ है। तो उसका मतलब कि उस दिन के कॉन्ट्रैक्ट में ओनली परचेज के ही डेटा है, ठीक है। और ये जो मेरा कंपनी है वो मेरा पर्सनल अकाउंट है, जिसमें मेरा कोई ट्रेडिंग का परचेज सेल्स नहीं हो रहा है, इसलिए मैं उसको डिफॉल्ट टैली के परचेज वाउचर में एंट्री कर रहा हूँ। अगर आपका कोई ट्रेडिंग वाला जो कंपनी है बिजनेस का, उस कंपनी में आप परचेज सेल कर रहे हो, मतलब इक्विटी का काम, ठीक है ना, तो आपको परचेज का एक नया वाउचर टाइप बनाना पड़ेगा। वो मैं नेक्स्ट आगे के वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो अब हम देखते हैं कि जो पर्सनल अकाउंट है जिसमें हमारा कोई ट्रेडिंग का काम नहीं है, हम ओनली सेल्स का ही काम करते हैं, हमारा बिजनेस एक्टिविटी कोई नहीं है, ठीक है ना, तो उसमें हमें कैसे ट्रांजेक्शन करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अब हम यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट नंबर लिखेंगे। तो जैसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट नंबर है 305 और मेरा कॉन्ट्रैक्ट डेट, ठीक है, या तो परचेज डेट और कॉन्ट्रैक्ट डेट सेम रख के भी आप एंट्री कर सकते हो। अब यहाँ पे मेरा जो भी ब्रोकर का नाम है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ, ABC सिक्योरिटीज, बाकी का डिटेल एंटर एंटर मार्केट छोड़ दो। अब यहाँ पे मेरा शेयर परचेज लेजर में सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे मैं अपना इक्विटी आइटम जो एज अ आइटम मैंने क्रिएट किया है वो वन बाय वन में सिलेक्ट करूँगा। अब सपोज मान लीजिए कि आपने पर्टिकुलर उस डेट को सेम स्क्रिप्ट यानी सेम इक्विटी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी आपने डिफरेंट डिफरेंट रेट से परचेज किए, तो अगर आप उसको अलग अलग डालना चाहो तो भी डाल सकते हो, या तो आप पूरा क्वांटिटी एवरेज रेट के साथ भी डाल सकते हो। उस क्वांटिटी का टोटल निकाल के उसका एवरेज रेट निकाल के अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में है तो उसको देख के आप टोटल क्वांटिटी एवरेज रेट जो भी है वो डाल के भी आप एंट्री कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया मेरा HDFC बैंक, ये जो डेट है बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, क्वांटिटी लिखना है। सपोज 500 क्वांटिटी मैंने परचेज किए थे 800 रुपीज़ से, तो वो मैंने डाल दिया। अगेन मैंने वही स्क्रिप्ट 300 क्वांटिटी मैंने परचेज की थी 750 पे, तो वो डाल दिया, ठीक है। या तो इस तरह से आप अलग अलग डाल सकते हो, या तो सपोज मान लीजिए कि इसका आपके कॉन्ट्रैक्ट में है कि भाई टोटल 800 नंबर्स, हाँ, और उसका कुछ एवरेज रेट निकल के आ रहा है कि 790 रुपया, ठीक है, तो आप इस तरह से भी डाल सकते हो कि भाई 809 और 790, ठीक है, इस तरह से भी आप एंट्री कर सकते हो। अब मैं मेरा दूसरा आइटम लेता हूँ,
जैसे SBI बैंक भी मैंने उस दिन परचेज किया था, 300 रन परचेज किया था 250 रुपये के रेट से, वो डाल दिया। और कोई नया आइटम है कॉन्ट्रैक्ट में जो आपने एज अ आइटम मास्टर क्रिएट नहीं किया है पहले से, तो यहाँ से ऑल्टर सी करके आप नया आइटम भी क्रिएट कर सकते हो। तो जिसे आपने मेरा नया आइटम यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, टाटा मोटर्स, ठीक है। बाकी के ऑप्शन को मैं नो रख रहा हूँ। यहाँ पे अंडर इक्विटीज नंबर्स और ये वाला जो ऑप्शन है मेंटेन इन परचेज पे, उसको यस रखना है। इसको एक्सेप्ट कर लिया, ये ऑटोमेटिक जनरेट हो गया डेट, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैं अपना क्वांटिटी डाल रहा हूँ, 300 क्वांटिटी मैंने परचेज किया था 220 रुपये के रेट से, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट में देख के जो भी एक्सपेंसेस है वो वन बाय वन सेलेक्ट करके उसका अमाउंट लिखना है। जैसे ब्रोकरेज चार्जेस मेरा 2000 था, फिर मेरा STT चार्जेस कुछ मेरा 50 रुपया था, और मेरा GST कुछ 300 रुपया था। तो वो जो भी है एक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट में है वो देख के आपको डाल देना है। अब यहाँ पे ये जो बिल वाइज डिटेल है यहाँ पे न्यू रेफरेंस करना है, और यहाँ पे आपको मेक श्योर होना है कि यहाँ पे आपको नेम वाले फील्ड में कॉन्ट्रैक्ट नंबर आपका आना चाहिए, ठीक है। तो इसको एंटर एंटर करके आप एक्सेप्ट कर लो। तो इस तरह से आपको परचेज की एंट्री करनी है।